इज एन एट अबाउट द न्यू थिंग इजन एट अबाउट द इनोवेशन कोई नई चीज़ लेकर आते हैं तो ये क्रिमिनल कहाँ से आती है सबसे पहले मैं इन्वामेंट को क्लियर करूँ कि ये वो लोग होते हैं कि जो आपके आ, गहराई से मुल्क के जियोग्राफिक जियोलॉजिकल चीज़ों को जानते हैं अच्छा मैंने जब ये लफ्ज़ बोला आंटरप्र्योर को एक डेफिनेशन में और भी देना चाहता हूँ वो ये कि ये वो चीज़ जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते द वन हु नोन अन यानी नोइंग ऑफ अन इज इन एंटरप्रेन्योरशिप एक तो चीज़ क्लियर हो गई दूसरा एनवायरमेंटल आइडिया के मुताबिक आपके कितने दरख्त चित्राल के अंदर है कितने कैलाश के अंदर है दीर के हैं स्नोबर के हैं एंड यू जस्ट नेम इट फिर उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर एक्सप्लोर हुआ तो बहुत से घरों के अंदर आप मुख्तलिफ़ इकसाम के कई दरख्त देखते हैं विच कॉस्ट यू लाइक दो लाख ढाई लाख तीन लाख चार लाख सो ये ल, और इसी तरीके से कीमती तरीन लकड़ी कीमती तरीन मादनियात कीमती तरीन स्टोन एक स्टोन का नाम मैं लेने लगा हूँ जिसको मैंने फोर्टी एट थाउजेंड यून में देखा सो इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्टोन और उसको पहना देखा चाइना के अंदर जो खातून भी उसको पहनती हैं हाथ में उसका कड़ा और अगर उनका गले के अंदर नेकलेस के तौर पर सिंपल एक लॉकेट भी होगा तो दैट कॉस्ट यू लाइक फोर्टी एट थाउजेंड ब्रेसलेट, एंड देन वन लाइक फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड अ बिग अमाउंट आउट माय गॉड हाउ हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये कैसे हो सकता यानी सोने से डबल यानी व्हाइट गोल्ड से भी डबल प्लेटेनियम से भी डबल तो मुझे अंदाजा हुआ कि वहां से एक, एक सांप थे जो जेड को लेकर आते थे एंड जेड इज नथिंग फॉर देम बट एवरी थिंग फॉर देम हमारे लिए तो कुछ नहीं है तो जेड स्मगल्ड हुआ करता था इसी तरीके से आप के अंदर उसके अंदर आप एमराल्ड के अंदर यू जस्ट नेम इट सो नबाता जमादात से लेकर स्टोन से लेकर इसके हिरन की खालों से लेकर सांप की खाल के जूतों से लेकर यू जस्ट हैव टू नेम इट यानी क्रिमिनलिटी के अंदर क्रिमिनल साइकोलॉजी जब आप देखेंगे तो ये लोग बहुत पोटेंशियल रखते हैं उस किसी भी साइड पे तो आप तो उसको एक्सप्लोर नहीं करते लेकिन अगर आप जो देखते हैं कि अगर काव से बनने वाले शू बनते हैं तो आपने देखा होगा तो वाइल्ड लाइफ को खत्म करने वाले भी तो बहुत ज्यादा हैं अभी पाकिस्तान में आप देखें तो हमारे मारखोर के अंदर इतना सिग्निफिकेंट कमी आई है कि जिसकी हद नहीं तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देट आरंदे आ, 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 हैं तो सही क्या इनके सींग बेचने वाले कौन है हाथी के दांत बेचने वाले कौन है लेकिन इसकी वजह से इनवायरमेंट को नुकसान क्या पहुंच रहा है यहाँ पे kinship, यहां पे कॉलर क्राइम्स हैं पॉलिटिकल लॉ मेकर्स के अंदर डिसीजन मेकर्स के अंदर क्राइम है कौन इनको इजाजत देता है कौन आपका वाइट बियर मारने के लिए आपको देवसाई के ऊपर इजाजत देता है Uh, कौन आपको बाकी वाइल्ड लाइफ के लिए प्रॉब्लम uh, करता है इसी तरीके से हम देखते हैं कि फर्म के अंदर वो माइनिंग फिशिंग लीगल ट्रेडिंग सो सो एंड स्पेशल लीगल माइनिंग के अंदर मिनरल्स की mine, uh, जो स्मगलिंग है इट इज अनबेयरेबल अब मैं इसके मजीद आगे जाना चाहता हूं तो माइनिंग प्रोसेस से आगे जब यहाँ पर देखेंगे तो सेलर्स के अंदर स्मॉल के अंदर पोचेस uh, के अंदर फिशरीज के अंदर आपके हमारे पास लिगैलिटी के बेशुमार ऐसी चीज़ें जो कि आपकी आ, कंडामिनेशन मांगती है और जो आपकी रिडक्शन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपकी बढ़ती जा रही है और आज की सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको देखने में मिलेगी कि आ, आ, आप देखें कि आपका लाहौर से लेकर कराची और पाकिस्तान का पूरा इन्वॉर्मेंट इसका पूरी दुनिया के अंदर सेकंड मोस्ट स्मोगी कंट्री बन गया और इसका स्मोक हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच गया तो ये कंपेरिजन के अंदर आप किस तरफ जा रहे हैं क्या वो केमिकल्स क्या वो फसलों में आग लगाना ये सब इेलिवेंट चीज़ें लेकिन वो क्या फायदा देते हैं वो फायदा बेनिफिट लेने वाले जो आंटरप्रन्य हैं हैं तो वो भी आंटरप्रन्य बट क्रिमिनल आइडियोलॉजी की तरफ हैं और इनको हम इस कैटेगरी में फॉल करते हैं थैंक यू वेरी मच